ओल्डन इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका दोस्त अजहर खान। और दोस्तों, आज मैं जिस जगह पे खड़ा हुआ हूं, उस जगह को कहते हैं हुमायूं टॉम कॉम्प्लेक्स, यानी हुमायूं टॉम के मकबरे का ये पूरा परिसर है। और यहां पर मौजूद हैं कई मकबरे, कई मस्जिदें। ये है दोस्तों हुमायूं टॉम कॉम्प्लेक्स में मौजूद अबू हलीमा का मकबरा। अबू हलीमा दोस्तों वो थी जिन्होंने हुमायूं का पालन पोषण किया था, यानी कि हुमायूं को पाला पोसा था। ये वो हलीमा अबू हलीमा हैं। और इनके मकबरे में दिखाने के लिए अब कुछ भी नहीं है दोस्तों। ये सामने जो आपको इतना स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यही है। इसके ऊपर का स्ट्रक्चर दोस्तों ढह चुका है। हुमायूं कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद अरब सराय, और ये जो गेट आप देख रहे हैं, ये अरब सराय का गेट है। 1560-61 में इसकी तामीर हुई थी। और ये 48 फुट ऊँचा गेट है दोस्तों, जो अरब सराय के जुनूबी यानी कि दक्षिणी दाखिली दरवाजे के तौर पर काम करता है। अरब सराय की तामीर हुमायूं के मकबरे को तामीर करने वाले कारीगरों की रिहाइश के गाह के तौर पर की गई थी। अरब सराय का ज़्यादातर हिस्सा आज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंडर में आता है, और यहाँ टूरिस्टों को जाने नहीं दिया जाता। ये दरवाज़ा बाग की चार दीवारी के अंदर दाखिल होने के लिए बनाया गया था, जिसके अंदर रहने के लिए सराय था। यहाँ 300 कारीगर रहते थे, जिन्हें बेगम अपने साथ फारस से लाई थी, ताकि अपने मरहूम शौहर हुमायूं के शानदार मकबरे के तसव्वुर को अमली जामा पहनाया जा सके। चलिए चलता हूं अंदर दोस्तों अरब सराय में, और इसके अंदर ले चल के आपको एक बाज़ार भी दिखाता हूं। इसके अंदर एक बाज़ार भी मौजूद था, जो कि उन कारीगरों और उनके परिवार वालों को रोज़ के मर्रा के जो चीज़ें हैं लेन देन के लिए, वो इसलिए यहाँ पर बनाया गया था। ये दोस्तों 48 फीट ऊँचा गेट है, यानी 48 फीट ऊँचा गेट है। ये आप देख रहे होंगे खूबसूरत रेड सैंड स्टोन और येलो सैंड स्टोन से इसको बनाया गया है। चलिए चलता हूँ अंदर, और आपको अंदर लेकर के चलता हूँ, इसके अंदर का आपको दिखाऊंगा। चलिए चलता हूँ। यहाँ इसका गेट बंद कर दिया गया है, यहाँ अंदर जाने की परमिशन नहीं है। अंदर कह रहे हैं वर्क चल रहा है, काम चल रहा है। चलिए चलता हूँ आगे दोस्तों। ये है हुमायूं के मकबरे के लिए जाने वाला यहाँ का मेन गेट, जो कि दोस्तों इसको कहते हैं पश्चिमी गेट, यानी कि मगरबी गेट कहते हैं। चलिए इस मगरबी गेट से लेकर के मैं आपको अंदर चलता हूँ। चलिए चलता हूँ दोस्तों आगे। चलिए दोस्तों इस गेट से आपको अंदर लेकर के चलता हूँ। ये बहुत खूबसूरत गेट है, और यहाँ भी कुछ रिपेयरिंग वर्क चल रहा है। यहाँ जगह जगह स्ट्रक्चर्स लगा दी हैं, यहाँ जाना है, वहाँ नहीं जाना है। और ये देखेंगे, ये इस एंट्री गेट से जैसे ही मैं सामने अंदर आता हूँ, यहाँ पर नज़र आने लग जाता है मुझे हुमायूं का खूबसूरत मकबरा। ये है दोस्तों, देखिए हुमायूं का खूबसूरत मकबरा। चलिए इसके इतिहास के बारे में भी आपको जानकारी दूंगा, आगे चलता हूँ दोस्तों। ये है दोस्तों हुमायूं का बहुत ही खूबसूरत सा मकबरा, जो कि 1569-1570 ईस्वी में उनकी बेगम बानो बेगम ने बनवाया था। और ये मौजूद है निज़ामुद्दीन ईस्ट मथुरा रोड पर, नई दिल्ली के अंदर, और इसके आसपास कोई मेट्रो स्टेशन मौजूद नहीं है। ये हुमायूं का मकबरा स्क्वायर शेप में बना हुआ है, और इसके कोने काट कर देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसको ऑक्टागनल शेप देने की कोशिश की गई है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये कोने काट करके इसको जो है ऑक्टागनल शेप देने की कोशिश की गई है। रेड सैंड स्टोन का बना हुआ ये दोस्तों बेहतरीन कारीगरी का नमूना है। और रेड सैंड स्टोन में आप देखेंगे जगह जगह पर इसके अंदर वाइट पट्टियां लगाकर संगमरमर की इसको डेकोरेट किया गया है, जिसकी वजह से ये बहुत खूबसूरत लगता है। और ऊपर देख रहे होंगे इसके ऊपर बिल्कुल सफ़ेद संगमरमर का बड़ा सा गुंबद, यानी कि बहुत खूबसूरत डोम। और इसके इधर उधर आपको छोटी छतरियां नज़र आएंगी, और फिर उसके साइड में भी आपको छोटी छोटी सी छतरियाँ नज़र आएंगी, जो कि ब्लू कलर के टाइल से आपको सजी हुई दिखाई देंगी। बहुत खूबसूरत मकबरा है दोस्तों, ये मुग़ल वास्तुकला का, इस्लामी वास्तुकला का दोस्तों बेजोड़ नमूना है। मैं आपको आगे लेकर के चलता हूँ, इसके अंदर भी आपको लेकर के चलूँगा। चलिए चलता हूँ आगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, नीचे एक छोटा सा चबूतरा है, लगभग 4 फीट ऊंचा चबूतरा होगा। उसके ऊपर बनी हुई आपको दिखाई दे रही होंगी कोठरियाँ, और कोठरियों के ऊपर बनाया गया है मेन मकबरा। हालाँकि जो मेन कब्र है दोस्तों, वो इसके अंदर ज़मीन में ही मौजूद है, सबसे नीचे। दोस्तों इस मकबरे की तामीर कराई थी हुमायूं की विधवा बानो बेगम ने, जो कि उनकी मुख्य रानी थी, जो कि उनकी ख़ास रानी थी। ये उन्होंने इसकी तामीर कराई थी। 1569-1570 ईस्वी में ये मकबरा बनकर तैयार हुआ था। और दोस्तों ये जो मकबरा है, ये मकबरा चार बाग शैली में बना है, चारों तरफ इसके बाग है। ये चार बाग शैली का पहला मकबरा है ताजमहल
इसको देखकर ही बनाया गया था। दोस्तों चलिए आपको आगे लेकर के चलता हूँ और इसके अंदर ले चलूँगा आपको। तो दोस्तों चलिए चलता हूँ ऊपर, इस मकबरे के ऊपर आपको लेकर के चलता हूँ। चबूतरे पे आ गया हूँ और चबूतरे से ऊपर यहाँ से चलूँगा तो यहाँ भी आपको सीढ़ियाँ नज़र आ रही होंगी। ये सीढ़ियाँ हैं दोस्तों इसकी, और इन सीढ़ियों से जैसे ही चढ़ता हूँ तो सामने ये बिल्डिंग दिखाई देने लग जाती है जो कि हुमायूं के मकबरे की दोस्तों खूबसूरत बिल्डिंग है। ये देखिए रेड सैंडस्टोन, येलो सैंडस्टोन और वाइट मार्बल से मिलाकर ये बनाई गई है। ये है दोस्तों वो खूबसूरत बिल्डिंग जिसको कहते हैं हुमायूं का मकबरा या इनके हुमायूं टॉम। चारों तरफ से आपको एक बार व्यू करा देता हूँ और फिर इसके अंदर लेकर के चलूँगा। तो मैं इस मकबरे का आपको पूरा वॉक अराउंड करा देता हूँ और उसके बाद फिर आपको लेकर के चलूँगा मकबरे के अंदर और वहाँ दिखाऊँगा आपको हुमायूं का मकबरा, उसकी कब्र। दोस्तों मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ इस मकबरे के अंदर आपको लेकर के चल रहा हूँ। यहाँ भी कुछ रिपेयर का वर्क चल रहा है शायद। चलिए दोस्तों अंदर चलता हूँ। जैसे ही आता हूँ तो देखिए ये आपको नज़र आएंगे यहाँ पर स्टार की डिज़ाइन के बने हुए यहाँ पर फ्लावर जो कि रेड सैंड स्टोन में वाइट मार्बल की पट्टियों से लगाकर बनाए गए हैं। और ये नज़र आएगा आपको, देखिए यहाँ पर मेन एंट्रेंस, इसका ये मेन एंट्रेंस है जो वो रेड सैंड स्टोन की जालियों से बनाया गया है। बहुत बारीक बारीक जालियाँ काटी गई हैं और ये है उसका गुंबद। ये मेन एंट्रेंस के बाहर का जो गुंबद है बहुत बारीक बारीक इसके अंदर नक्काशी है। देखिए दोस्तों बहुत बारीक नक्काशी है। चलिए आपको अंदर लेकर के चलता हूँ। ये मैंने आपको जालियाँ दिखाई, बहुत खूबसूरत जालियाँ, और अब मैं लेकर के आ रहा हूँ आपको यहाँ पर अंदर। और अंदर जैसे ही आता हूँ यहाँ पर आपको उसी तरह से यहाँ पर डिज़ाइनिंग नज़र आएगी और ऊपर नज़र आएगा एक काफ़ी ऊंचा सा गुंबद। हालांकि गुंबद के अंदर कोई डिज़ाइनिंग नहीं है लेकिन चारों तरफ इसके ताक बनाई गई हैं जैसा आप देख रहे हैं। और ये सामने बनाई गई है यहाँ पर हुमायूं की कब्र। ये दोस्तों हुमायूं की कब्र है, हालांकि ये डमी कब्र है। असली कब्र जो है सबसे नीचे यहाँ पर तहखाने में ज़मीन के अंदर मौजूद है। चलिए मैं आपको आगे ले चल के इसकी कब्र दिखाता हूँ और इसके आसपास की जो डिज़ाइनिंग है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों ये यहाँ पर आप देखेंगे ब्लैक एंड वाइट में आपको यहाँ पर संगमरमर के फूल बने हुए नज़र आएंगे। बहुत खूबसूरती के साथ यहाँ पर इनको डेकोरेट किया गया है और ये है हुमायूं की संगमरमर की ये कब्र। चलिए आपको अब दूसरे कमरों की तरफ ले चलता हूँ और देखिए जो इसका मेन कमरा था उसके चारों तरफ आपको इस तरह से और कमरे नज़र आएंगे और उन कमरों में आपको यहाँ पर नज़र आएंगी शाही परिवार की, शाही ख़ानदान की कुछ कब्रें। इसके अंदर शाही ख़ानदान की लगभग 150 कब्रें मौजूद हैं। कुछ तो इस मकबरे के अंदर हैं और कुछ इस मकबरे के सहन में हैं। देखिए ये आप कब्रें दिखाई दे रही होंगी, इसमें दारा शिको है और इस तरह के उनके दूसरे भाई वगैरह जो थे उनके ख़ानदान के लोग हैं उनकी यहाँ पर कब्रें। हुमायूं के मकबरे के देखिए सहन के अंदर इस तरह से आपको बहुत सी कब्रें नज़र आएंगी। कुल 150 कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं, इसलिए इसे कुछ लोग मुग़लों का कब्रिस्तान भी कहते हैं। और ये है चार बाग। ये देखिए आप इस मकबरे के चारों तरफ ये बाग बनाया गया है। दोस्तों जैसा कि कुरान के अंदर आता है कि जन्नत के अंदर बीच में नहरें होंगी और चारों तरफ बाग बगीचे होंगे, इस तरह के बाग जो है जन्नत में होंगे, तो उसी तर्ज पर मुग़लों ने यहाँ पर जन्नत की तर्ज पर ही इस बाग को यहाँ पर बनाया है। ये देखेंगे आप बीच में इसके नहरें बनाई गई हैं और चारों तरफ को बाग डेवलप किया गया है जन्नत की तर्ज पर दोस्तों इसको बनाया गया है। हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। ये हिंदुस्तान के दूसरे मुग़ल बादशाह थे। इनकी पैदाइश हुई थी 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल अफ़गानिस्तान में और इनकी मौत हुई थी 27 जनवरी 1556 ईस्वी को दिल्ली हिंदुस्तान में। इन्होंने दो बार शासन किया है दोस्तों। इन्होंने पहली बार 26 दिसंबर 1530 से 17 मई 1540 ईस्वी तक गद्दी संभाली और उसके बाद दोबारा राज किया है इन्होंने 15 जून 1555 ईस्वी से 27 जनवरी 1556 ईस्वी तक। इनकी ताजपोशी हुई थी 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में और इनके वालिद का नाम था बाबर और इनके बेटे का नाम था अकबर। दोस्तों मैं इन्हें एक बदकिस्मत बादशाह मानता हूँ। इसकी वजह यह है कि बाबर ने 1526 ईस्वी में जब दिल्ली पर कब्ज़ा किया और यहाँ पर मुग़ल ख़ानदान की हुकूमत कायम की तो महज
चार साल के बाद ही यानी कि 1530 ईस्वी में ही जो है बाबर की मौत हो गई और हुमायूं के सर से बाप का साया उठ गया। हुमायूं ने 1530 ईस्वी में गद्दी संभाली और 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी के विद्रोह को दबाने के लिए हुमायूं ने उस पर हमला किया, पर वहां हुमायूं को मुंह की खानी पड़ी और चौसा की जंग में बुरी तरह हार हुई। वहां से पीछे हटना पड़ा। इतना ही नहीं, 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने दिल्ली पर हमला कर दिया और हुमायूं को बुरी तरह हराया और हिंदुस्तान से बाहर खदेड़ दिया। 15 साल तक दर दर की ठोकरें खाने के बाद सफावीद खानदान की मदद से 1555 ईस्वी में अपना खोया हुआ राजपाट फिर से पा लिया। पर अभी एक साल ही बीता था कि दिल्ली के पुराने किले में मौजूद कुतुब खाने यानी कि लाइब्रेरी से गिरकर 1556 ईस्वी में उनकी मौत हो गई और केवल एक साल ही वो गद्दी पर बैठ सके। और उनके बाद अकबर को महज 14 साल की उम्र में ही गद्दी पर बैठाया गया। इसीलिए दोस्तों, मैं हुमायूं को बहुत बदकिस्मत बादशाह मानता हूं, क्योंकि उन्होंने मशक्क़तें परेशानियां ज़्यादा झेली और हुकूमत बहुत कम वक्त के लिए की। और दोस्तों, ये है उस शख्स का मकबरा जिसके आगे बादशाह हुमायूं भी सर झुकाया करते थे। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, इस शख्स के आगे हुमायूं भी सर झुकाया करते थे। ये है हुमायूं के नाई का मकबरा। दोस्तों, ये हुमायूं के नाई का मकबरा है। इसको हुमायूं ने खुद बनवाया था अपने नाई की मौत के बाद और ये 16वीं शताब्दी में बनवाया गया था। चलिए आपको आगे लेकर के चलता हूँ। ये जो आप सामने देख रहे हैं रेड सैंडस्टोन का बहुत खूबसूरत मकबरा है। ऊपर आपको एक बड़ा सा गुंबद नज़र आ रहा होगा और ये इसका जो दर है, इसके आसपास वाइट कलर की पट्टी लगा करके इसको डेकोरेट किया गया है। और ये देखेंगे आप, इसके ऊपर बनी हुई हैं छतरियाँ जो कि नीले टाइल से, सफ़ेद टाइल से और पीले कलर के टाइल से सजाई गई हैं। चारों कोनों पे इस तरह से इसकी छतरियां हैं। ये स्क्वायर शेप में बना हुआ मकबरा है, लाल पत्थर से बनाया गया है। चलिए चलता हूं आगे, आपको इसके अंदर लेकर के चलता हूं। जैसे ही सामने आता हूं दोस्तों, यहां पर नज़र आ जाती है मुझे ये इसका एक एंट्री गेट और इसके ऊपर लगी हुई ये बारीक जालियाँ जो इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं। चलिए चलता हूँ मैं आपको अंदर लेकर के। अंदर भी आपको यहाँ से इस तरह से जालियाँ नज़र आएंगी। यहाँ पे साफ़ सफाई का काम चल रहा है, झाड़ू लग रही है। ये देखिए, जो सामने आपको कब्र नज़र आ रही है, ये हुमायूं के जो नाई था उसकी कब्र है और ये उसकी बेगम की कब्र है। और सामने जो जालियाँ हैं इसकी खूबसूरती को बढ़ाती हैं, बहुत बारीक जालियाँ हैं। ये जालियों की वजह से ही दोस्तों फेमस है। चारों तरफ इसके अंदर इस तरह से ये जालियाँ लगाई गई हैं, ये देखिए आप, और बीच में ये बनाई गई हैं कब्रें। और काफ़ी ऊँचा गुंबद है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये काफ़ी ऊंचा गुंबद है। इसके अंदर देखिए आप, ब्लू कलर से यहाँ पर डेकोरेशन किया गया है, कुरान की आयतें हैं, डिज़ाइनिंग है, बहुत खूबसूरत है दोस्तों ये मकबरा भी। और इसके अंदर से देखिए आपको ये रोशनी आती हुई नज़र आ रही होगी, सूरज की किरणें आती हुई नज़र आ रही होंगी, ये इसकी ख़ास चीज़ है। आपको दोस्तों ले करके चल रहा हूँ नीले गुंबद की तरफ। नीले गुंबद का बहुत इतिहास मौजूद नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि ये शायद जहांगीर के वक्त में बना था। ये जो देख रहे हैं ये है नीला गुंबद, और इसका नाम नीला गुंबद इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके अंदर जो आप देख रहे हैं ऊपर, इसका गुंबद जो है नीला है। और इसके अंदर ज़्यादा कुछ दिखाने को नहीं है तो इसलिए दोस्तों मैं आगे नहीं जाऊँगा। और ये नीले गुंबद के चारों तरफ की ये देखिए बाउंड्री वॉल है जिसके अंदर दर बनाए गए हैं। एक दर बीच में बड़ा है और चारों तरफ इस तरह से दर यहाँ बने हुए आपको। इसी के साथ ही हुमायूं टॉम कॉम्प्लेक्स के इस व्लॉग को अपने यही ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग हमारा आपको पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगले व्लॉग में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।